चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली के नारायणा में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की दिल्ली के नारायणा से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई है। केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है ये। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है लगातार। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली के नारायणा इलाके से, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली में किसी फैक्ट्री में आग लगी हो। उससे पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं जहां पर फैक्ट्रीज और होटल्स में इसी तरह की आग लगी हो, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है कि फायर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता या फिर यहां पर प्रशासन की तरफ से जांच नहीं की जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस फैक्ट्री की तस्वीर है, केमिकल फैक्ट्री की तस्वीर है जहां पर आग लगी है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग है। आप देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह से नजर आ रही हैं और काला धुआं जो है वो नजर आ रहा है। ओपी शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओपी, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, किस वक्त ये आग लगी और अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, जो आग है ये 2-3 घंटे हो चुके हैं, अचानक ही आग लगी और चूंकि केमिकल की फैक्ट्री है तो अचानक जो आग है वो पूरी जो फैक्ट्री को अपने चपेट में ले रखा है और आग बुझाने का काम चल रहा है। फिलहाल जद्दोजहद चल रही है। फायर ब्रिगेड की मौके पर 9 से 10 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और फायर कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आग लगी है इसे लोग आसपास के जो फैक्ट्रियां थी उसको उसके जो वर्कर थे उनको भी तुरंत वहां से हटाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। वो भी किस तरह का केमिकल इस फैक्ट्री में बनता था और आग के कारण क्या बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस तरह का केमिकल था, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ था जिसकी वजह से आग अचानक ही फैली है और आग के लगने का कारण अभी जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। क्योंकि यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि फैक्ट्रियों में जो इस तरह के जो केमिकल होते हैं उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और आग जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए, लेकिन यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। चूंकि आग लगने के बाद में लोग सिर्फ शोर मचाते रहे, फायर को कॉल किया, फायर को पहुंचने में भी कुछ समय लगा जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री जो है आग की चपेट में आ गई और धू धू करके जलने लगी। फिलहाल जो फायर कर्मियों का कहना है कि फिलहाल जो अभी जो प्राथमिक जो चल रहा है कार्य की इसको तुरंत इसको बुझाया जाए, उसके बाद में देखा जाए कितने की हानि हुई है। फिलहाल अभी फायर कर्मियों का कहना है इससे कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से आग फैल रही है उससे दूसरी फैक्ट्रियों को भी खतरा है। बिल्कुल। और ओपी, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मामले इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लगातार इस तरह की फैक्ट्रीज में आग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या फायर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता कि फैक्ट्री द्वारा, फैक्ट्री जो मालिक है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, या फिर प्रशासन द्वारा यहाँ पर ढील छोड़ी जा रही है, यहाँ पर किसी तरह की जाँच नहीं की जाती? जी बिल्कुल, जिस तरह से आगों की जो स्थिति हो जाती है और खासतौर पर गर्मियों में जिस तरह से आग लग जाती है, घरों से लेकर फैक्ट्रियों तक आग लगती है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही मानी जाएगी क्योंकि पुख्ता इंतजाम का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ पर जैसे जिसके वायरिंग और जिस तरह से कहा जाता है बिजली से आग लगना, तो कहीं ना कहीं लो मटेरियल का यूज करना जिसकी वजह से भी आग लगता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती मानी जाएगी क्योंकि कहीं जो है कानूनी जो है ताक पर रखकर कानून को यहाँ पर इस तरह से फैक्ट्रियां भी चलाई जाती है जो कि कानून की बिल्कुल अवहेलना करते हैं, अब देखा करते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदाएं सामने आती है। बिल्कुल। और आपने भी देखा होगा ओपी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में होटल्स में और फैक्ट्रीज में आग लगी, उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं दिल्ली में। और इस प्रकार की क्या प्रशासन का इंतजार करता है कि क्या कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद कोई ठोस कदम उठाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से अगर इस तरह के जो मामले देखे गए जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि प्रशासन को ये गाइडलाइन दी जाती है कि इस तरह के इलाके में फैक्ट्रियां चल रही हो अवैध रूप से तो उस पर नजर रखी जाए, उसको सुधारने की कोशिश की जाए, लेकिन प्रशासन जो है अपनी लापरवाही दिखाता है जिसकी वजह से आपदाएं होती हैं। हालांकि कानून में ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे कि इनको छूट दी जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही मानी जाएगी क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्रियां और जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसमें फायर की सुरक्षा
सुरक्षा को लेकर, जो कि फायर विभाग खुद ही उनको एनओसी देता है, कहीं ना कहीं वो भी लापरवाही मानी जाएगी। फायर विभाग भी समय रहते भी इस तरह की घटनाओं से चेतता नहीं है और इस तरह की जो आपदाएं आती है जिसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती मानी जा सकती है। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं ऊपर, और तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि भयानक आग है और इसको बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।